मध्यानन आश्रम में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन वैदिक हवन पूजा कर ऋषि भोजोत्सव आयोजित किया जाता है और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों पर आर्य समाज द्वारा प्रकाश डाला जाता है। काशीपुर के तीर्थ द्रोणा सागर में स्थित श्री मध्यानंद आश्रम में महाशिवरात्रि के दिन बोधोत्सव का आयोजन वैदिक हवन पूजन के साथ किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी शिवरात्रि के अवसर पर स्वामी वेदानंद ने अपने ओजस्वी मंत्रों से भव्य यज्ञ संपन्न करवाया। इस दौरान आर समाज के लोगों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज ही के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए हम ये पर्व के रूप में मनाते हैं आज का दिन। और लोगों से स्वामी दयानंद जी द्वारा बताए गए मार्ग, आर्य बनो और आर्य बनाओ के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आज के कार्यक्रम के द्वारा हम ऋषि के द्वारा जो बताए गए मार्ग है उस पर जो उन्होंने बताया कि आर्य बनो, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ बने हम और श्रेष्ठ बनाएं। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हम सनातन पद्धति से ही शुरुआत करते हैं, उसी सनातन पद्धति को लेकर के जो कि अजर है, अमर है, जो सत्य है, जिसका न कभी आदि हुआ न कभी अनंत अंत हुआ होगा, उसी पद्धति को लेकर के वेदों का प्रचार हम करते हैं और वैदिक यज्ञ करते हैं हम। और वैदिक यज्ञ के द्वारा ही एक यज्ञ जो है एक विज्ञान है, ना कि एक विधा है कोई। पूर्व में आप देखेंगे सभी जगह हमेशा यज्ञ ही होते थे, यज्ञ के द्वारा ही सारे कार्यक्रम होते थे, यज्ञ के द्वारा ही शक्तियाँ प्राप्त की जाती थी। इसी यज्ञ के द्वारा आजकल माइक्रो प्रोटोन पर काम हो रहा है, माइक्रोन पर काम हो रहा है, जिसके द्वारा साइंटिस्ट इलाज हमारा खोज रहे हैं कि कैसे हम बीमारियों का इलाज करेंगे। उससे भी छोटे रूप में यज्ञ हम यज्ञ में छोड़ते हैं उसके द्वारा हमें वापसी देता है यज्ञ, और हम उससे अपनी बीमारियों को, तरह तरह के दुखों को हम काटते हैं। अगर हम उसको करेंगे तो हमारा लाभ होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, वातावरण को स्वस्थ करेंगे, जिसके लिए आज हमारी पूरी दुनिया प्रयासरत है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।